संजय दत्त और श्रीदेवी की फिल्म गुमराह की रिलीज को लगभग तीस साल पूरे हो गए हैं। फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई थी इस फिल्म के प्रोड्यूसर यश जोहर थे और इसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म में अनुबम खेर सोनी राजदान राहुल रॉय लीड रोल में थे श्रीदेवी को जब महेश ने इस फिल्म का ऑफर दिया तो वे संजय दत्त का नाम सुनते ही परेशान हो गई थी वे नहीं चाहती थी कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करे इसकी वजह थी एक घटना जिसने श्रीदेवी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया आखिर ऐसा क्या हुआ था श्रीदेवी और संजय दत्त के बीच कि जो कि श्रीदेवी संजय दत्त का मुंह भी देखना पसंद नहीं करती थी आज इन सांपों को नहीं मारोगे तो कल ये दूसरी गरीब लड़कियों को जलाकर मार डालेंगे बता दे कि आशिक के दशक में श्रीदेवी इंडस्ट्री की नंबर वन एक्ट्रेस में शुमार थी और यही वो वक्त था जब संजय दत्त का करियर शुरू ही हुआ था इसी बीच एक ऐसी घटना घड़ी जिसने श्रीदेवी को हिलाकर रख दिया खबरों की माने तो फिल्म हिम्मतवाला की शूटिंग चल रही थी श्रीदेवी और जितेंद्र इस फिल्म में लीड रोल में थे संजय दत्त श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे उन दिनों मुंबई में ही फिल्म की शूटिंग चल रही थी संजय को उनके दोस्त ने बताया कि श्रीदेवी शूटिंग कर रही है संजय ने मन बनाया कि वे श्रीदेवी से मिलने जाएंगे वे फिल्म सेट पर पहुंचे हालांकि जब वहां पहुंचे तो एकदम नशे में धुन थे उनकी आंखें लाल थी और वे लड़खड़ा रहे थे उनको सेट पर श्रीदेवी नजर नहीं आई वे उन्हें ढूंढने लगे और देखते देखते उनके कमरे तक तो पहुंच गए नशे में धुन संजय को देखकर श्रीदेवी कांप गई थी तब नशे की वजह से संजय की आंखें पूरी तरह से लाल थी श्रीदेवी संजय को देखकर इस कदर डर गई थी जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर किसी तरह संजय को वहां से बाहर निकाला गया मेरी के दामन को रहे थे। मेरी इज्जत खेलने की कोशिश कर रहे थे एक इंटरव्यू में संजय को इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था मैं उनके कमरे में जरूर गया था लेकिन मैंने वह उनसे क्या कहा क्या बात की कैसा बर्ताव हुआ मुझे कुछ याद नहीं है इस घटना के बाद श्रीदेवी ने तय किया था कि वह कभी भी संजय के साथ काम नहीं करेंगी फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब संजय दत्त का स्टारडम ऊंचाई पर पहुंच गया था ऐसे में श्रीदेवी को न चाहते हुए भी संजय के साथ एक फिल्म जमीन साइन करनी पड़ी थी हालांकि किसी कारण ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई डायरेक्टर महेश भट्ट गुमराह फिल्म पर काम कर रहे थे उन्होंने फिल्म में पहले संजय को कास्ट कर लिया था जब वे श्रीदेवी के पास फिल्म का ऑफर लेकर गए तब पहले तो उन्होंने फिल्म से संजय को निकालवाने की कोशिश की लेकिन जब कामयाब नहीं हुई तो आखिरकार उन्हें फिल्म साइन करनी पड़ी खबरों की माने तो गुमराह के सेट पर माहौल थोड़ा अलग ही था श्रीदेवी और संजय के बीच पूरी तरह से बातचीत बंद थी संजय को लेकर श्रीदेवी के मन में कड़वाट थी ऐसे में जब रोमांटिक सीन शूट होता तो वह कट बोलने के तुरंत बाद भी वहां से चली जाती लेकिन संजय दत्त ने श्रीदेवी के इस बिहेवियर को नजरअंदाज किया और फिर उन्हें इस बात का भी अंदाजा था उनके बर्ताव से श्रीदेवी का यह बिहेवियर है संजय ने उस वाक्य को फिल्म पर हावी नहीं होने दिया और जैसे तैसे फिल्म पूरी हो गई रिलीज होने पर फिल्म जबरदस्त छीट रही और इसमें संजय दत्त और श्रीदेवी की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया लेकिन फिल्म की सफलता से भी श्रीदेवी को मिर्ची लग गई उन्हें लगा जो कि संजय अब उनसे बड़े स्टार है इसलिए उन्हें फिल्म में ज्यादा फुटेज दी गई इसकी वजह से संजय के लिए श्रीदेवी की नफरत और बढ़ गई और इस तरह से दोनों के बीच नफरत और दूरियों की खाई ज्यादा गहरी बन गई अब श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है उनकी यादें बस साथ है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे बायोग्राफी वे चैनल के साथ जय हिंद